ओके जी, सो पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाए थे LXi और VXi वेरिएंट। आज हम बात करने वाले हैं VXi वेरिएंट की और ZXi वेरिएंट की। इन दोनों के बीच में 1,10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस आपको मिलने वाला है। ये पड़ता है आपका 7.79 लाख रुपीज का और ये पड़ता है आपका 8.89 लाख रुपीज का, यानी कि 1,10,000 रुपए का। ठीक है, एक्स शोरूम पे डिफरेंस है। ऑन रोड जाते जाते आपका 1,20 के समथिंग का जो है वो आप डिफरेंस मान लो। हर शहर में ऑन रोड प्राइस अलग होते हैं। गुड़गांव हरियाणा के आपको दिख जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। बाकी अगर आपको अपनी सिटी का जानना है तो हमें कमेंट कर दो कि भाई इस वेरिएंट का प्राइस बता दो, हम आपको बता देंगे। और अगर आप बिलोंग करते हो भिवाड़ी राजस्थान में कहीं आसपास से, अपने यहाँ रेवाड़ी गुड़गांव के एरिया में, तो सागर भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इनसे कॉन्टैक्ट करो और अपनी मारुति की कोई भी गाड़ी बुक करवाओ। अगर आप हमारा रेफरेंस देते हो तो आपको टेफ्लोन कोटिंग और एंटी रस्ट कोटिंग भी बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करेंगे। ये वाली चाबी आपको मिलेगी VXi वेरिएंट के साथ, यानी कि आपकी गाड़ी में इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। चाबी आपको लगानी पड़ेगी और मारुति की टिपिकल की है। और ये चाबी आपको मिलेगी ZXi वेरिएंट के साथ, यानी कि बटन से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चाबी जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। और एक अच्छी चीज और हो गई है कि एक बटन और ऐड हो गया है जिससे कि आप अपना बूट अनलॉक कर सकते हो। लेकिन मारुति ने चाबी नहीं बदली भाई, वही चाबी में एक बटन और घुसा दिया। ठीक है, अब चलो सामने की तरफ। सामने से सबसे बड़ा डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे वो है कि इसमें हैलोजन बेस प्रोजेक्टर आता है, हैलोजन बेस इंडिकेटर, हैलोजन बेस ही पार्किंग लैंप आते हैं, कोई भी DRS नहीं आते। जबकि ZXi वेरिएंट को आप देखोगे तो यहाँ पे DRS आपके आगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास ये LED लाइट का सेटअप आ गया। ये 4 LED जो आपकी है ये लो बीम के लिए काम करेगी और 2 LED आपकी हाई बीम के लिए काम करेगी। ग्रिल दोनों की सेम आपको मिलने वाली है, ग्लोसी ब्लैक क्रोम फिनिश रो ब्लैक, और उसमें भी ग्लोसी ब्लैक क्रोम फिनिश रो ब्लैक। फोग लैंप आपको नहीं मिलेंगे, फोग लैंप सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलेंगे। प्लस जो 360° कैमरा है वो भी आपका टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेगा। कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के फीचर नहीं आते। अब आ जाओ साइड पे। यहाँ पे आपको 14 इंच के व्हील मिलने वाले हैं, 165/80 का टायर सेक्शन होने वाला है, ब्लैक कलर के रिम आपको मिलेंगे। जबकि ZXi वेरिएंट आप देखोगे तो 15 इंच के हो गए पहले तो आपके व्हील, और 185/65 का हो गया टायर सेक्शन, यानी कि बड़े चौड़े टायर आपको मिलेंगे और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील। काफी खूबसूरत जो है वो भाई लग रहे हैं ब्लैक कलर के अलॉय व्हील स्पेशली। देन इसके बाद अपने पास यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों के ORVM सेम है, दोनों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर आते हैं, फोल्ड का फीचर भी आता है। लॉक अनलॉक पे कोई से के भी ORVM फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते। अब आ जाओ पीछे की तरफ। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते ही है। एक चीज़ और, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मारुति पैसेंजर साइड भी देता है, तो आप इस तरफ से भी गाड़ी में एंटर कर सकते हो। ऊपर शार्क फिन एंटीना दोनों गाड़ियों में मिलता है, बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना जो है वो दिया जाता है। अब आ जाओ पीछे की तरफ। पीछे से आपको दिखने वाली है एकदम ही सेम दोनों गाड़ियाँ, क्योंकि दोनों में स्पॉइलर। यहाँ पे ये हल्का सा ग्लोसी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट, LED बेस लाइटें, नई वाली मस्त लाइटें लगती है भाई पीछे वाली। और अपने पास पार्किंग सेंसर्स जो है वो 4 मिलते हैं। एक फीचर एक्स्ट्रा क्या है कि आपके पास यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो ऐड हो गया ये ZXi वेरिएंट में। दोनों में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर आता है, दोनों में ही बूट लैंप जो है वो दिया जाता है, और दोनों का स्पेयर व्हील आपका ये 14 इंच का ब्लैक कलर का रिम जो है वो होने वाला है। अब देखते हैं एक बार VXi वेरिएंट में पिछले वाली सीट पे क्या क्या फीचर्स है, फिर ZXi वेरिएंट देखते हैं। अब यहाँ पे पीछे आप देखोगे डोर, तो डोर आपका ड्यूल टोन में मिलने वाला है VXi वेरिएंट में, और यहाँ पे क्रोम में डोर हैंडल्स जो है मिल जाते हैं। पावर विंडो बेस वेरिएंट से आएगी, 4 स्पीकर्स आपके मिल जाते हैं VXi वेरिएंट में। देन इसके बाद अंदर की तरफ आओगे तो रियर AC वेंट आपके आगे, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको एक Type-C और एक Type-A का पोर्ट जो है वो मिल जाता है। कैबिन लैंप 2 मिलते हैं, ये हैलोजन है, वो वाला भी जो है आपको हैलोजन मिलता है, और हेडरेस्ट आपके पास 2 एडजस्ट जो है वो आ जाते हैं। आर्मरेस्ट भी आ जाता है जिसमें कि 2 कप होल्डर्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। ओके, सो अब देखो आप ZXi वेरिएंट, तो VXi में और ZXi में कोई भी डिफरेंस जो है आपको पिछले वाली सीट पे नहीं मिलेगा। सेम टू सेम है सब की सब चीजें, कोई भी सॉफ्ट टच का यूज नहीं है, कुछ नहीं है। रियर एसीवेंट वैसे ही है, बाकी अपने पास हेडरेस्ट वगैरह सब कुछ मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है। मेन फीचर जो डिफरेंस है वो है आगे की तरफ। ZXi वेरिएंट का डोर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे सिल्वर फिनिश आ जाती है। ठीक है, बाकी अपने पावर विंडोज के कंट्रोल आ जाते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन आती है, ड्राइवर साइड वाली विंडो, और वो बेस वेरिएंट से दी जाती है। जो ड्राइवर सीट है उसकी हाइट एडजस्ट करने का फीचर भी आपको VXi वेरिएंट से ऑफर किया जाता है। अब यहां पे आप देखो एक बटन आपको दिख जाएगा जो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑन ऑफ, हेडलैम्प लेवलर ये आपको मिलते ही है। देन स्टीयरिंग के ऊपर कोई भी लेदर की फिनिशिंग नहीं है, लेफ्ट साइड में मीडिया के कंट्रोल्स है, नीचे आपके पास ये फोन कनेक्शन के कंट्रोल मिलते हैं, और स्टीयरिंग आपका
टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। एक प्लस फीचर और क्या है कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर जो है वो आपके ZXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। गाड़ी को ऑन करते हैं, MID में आपको दिखाता हूँ। MID में कोई भी कलरफुल MID का फीचर नहीं आता, बेसिक वाली MID जो है स्क्रीन वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये गाड़ी तब तक बीप करती रहेगी जब तक कि आपका डोर बंद नहीं होता। देन अपने पास यहाँ पे क्लैरियन का म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको मिल जाता है, और ये यहाँ पे जो है वो आपको कंप्लीट रो ब्लैक ही मिलता है, यानी कि ग्लोसी ब्लैक नहीं आता। रियर एसी वेंट है, ऑटोमेटिक AC आ गया आपका ZXI वेरिएंट में जो कि VXI में नहीं आता, प्लस वायरलेस चार्जर भी जो है वो आपका एड ऑन हो गया। उसके अलावा बाकी ये सारी चीजें जो है वो आपको सेम मिलने वाली है। डैशबोर्ड ड्यूल टोन ही मिलता है आपको VXI का भी, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि ये वुडन की फिनिश जो है ना ये एड ऑन हो गई आपकी। ऊपर IRVM मैनुअल आता है, और बाकी आपके पास वैनिटी मिरर और इधर अपने पास टिकट होल्डर जो है ये दिए जाते हैं। सो जी ये डिफरेंस हो गए आपके ZXI वेरिएंट के। बाकी तो VXI वेरिएंट में भी आपको काफी सारे फीचर्स जो है वो दिए जाते हैं। देखो अब आपको VXI वेरिएंट दिखाता हूं मैं, पर फटाफट से, अंधेरा हो गया है भाई, तो कैमरा में जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी का आपको इशू आ सकता है। अब VXI वेरिएंट में देखो आप, यहाँ पे सब कुछ सेम है, ठीक है। एक जो वो सिल्वर फिनिश आई थी आपकी वो वाली यहाँ पे, ये यहाँ पे वो मिसिंग है। डैशबोर्ड में जो वुडन फिनिश है वो मिसिंग है। स्टीरियो इसका और उसका एकदम सेम है। हाँ एक चीज़ और जो मैं बतानी भूल गया आपको, ZXI वेरिएंट में आपके पास दो ट्विटर के ऑप्शन जो है वो भी आ जाएंगे। उसके अलावा अपने पास यहाँ पे आप देखोगे तो MID इसकी उसके जैसी सेम टू सेम मिलती है, बस AC यहाँ पे आपका मैनुअल मिलता है, और वायरलेस चार्जर जो है वो आपका यहाँ पे नहीं मिलता। ओके जी, सो ये थे VXI वेरिएंट के फीचर्स। बाकी सब कुछ सेम आपको मिलता है। VXI और ZXI में दोनों में ही CNG का ऑप्शन आपको मिलता है। CNG के लिए आपको ऑन रोड पे लगभग 1,00,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पेट्रोल के ऊपर। बाकी ऑटोमेटिक के ऑप्शन जो है वो भी दोनों वेरिएंट में आपको मिलते हैं, और कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे जो है वो आपके लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप हमें बताओ भाई कमेंट करके, आपको ZXI ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है या फिर VXI? देखो VXI के ऊपर क्या क्या आ गया, LED बेस्ड लाइटें आ गई, अपने पास इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन एक वो एक्स्ट्रा आ गया, वायरलेस चार्जर आ गया, ऑटोमेटिक AC आ गया, और डैशबोर्ड में थोड़े बहुत ट्रिम्स वगैरह जो है वो आ गए, और अपने पास अलॉय व्हील्स आ गए, ठीक है। तो ये 6-7 फीचर जो है आपको ये ZXI वेरिएंट में एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। लाइटों का थ्रो दिखाऊं, थोड़ा सा और अंधेरा होने दो, रील डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे ना कि लाइटों का थ्रो कैसा है, ये हैलोजन बेस्ड लाइटें कैसी और ये LED बेस्ड लाइटें कैसी, उसकी रील अभी जो है डाल दूंगा मैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। VXI LXI की वीडियो ऑलरेडी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।